काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी काम कर रही हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज भी काम कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस तरह आज हम आपको बता रहे हैं कंजर्वेशन के बारे में, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है कंजर्वेशन क्या है, हमें पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, और इस तरह ये कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम कम्प्लीट होता है। और दूसरे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल अर्थ रिसोर्सेज, बहुत से अर्थ रिसोर्सेज हैं जो वाटर है, लाइट है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वुड है, कोल है, ये सब अर्थ रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी इंसान इधर ओनली वन पे है वाटर पे, कि वाटर को हम कैसे कंजर्व करें, ये वाटर यूज़ कहाँ पर होता है, ड्रिंकिंग, इरीगेशन, इंडस्ट्री में, नेविगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ETC, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर वाटर कम हो जाएगा तो डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन होगी, तो डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन होगी तो क्या इसका इफेक्ट होगा, सॉयल एरोजन, लैंड स्लाइड्स बन जाएंगे, फ्लड्स बन जाएंगे। इस वजह से अब हम कंजर्व करेंगे कि वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उसकी कमी से ये हमें सॉयल एरोजन, लैंड स्लाइड्स एंड फ्लड्स आ रहे हैं, तो अब हमें चाहिए कि वाटर को कंजर्व करें। वाटर को कंजर्व करने का मतलब यही है कि वाटर को सेव करें ताकि हम ड्रिंकिंग में, इरीगेशन में, इंडस्ट्री में या हम यूज़ कर सकें। तो ये इसके हैं पॉइंट्स जो हमें वाटर कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। डैम्स में टर्न ऑफ टैप्स, बॉयल व्हाट यू नीड, शावर विद लेस, ईट लेस मीट, और फूड वेस्ट का इस्तेमाल यानी कम करें, फूड वेस्ट कम करें। टाइम यू आर गार्डनिंग, कैच रेन वाटर कैच करें, नो बोर वॉशिंग अप, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कि इनकरेजिंग लोअर वाटर डाइट, कि ऐसी डाइट को इनक्रेज करें जिसमें वाटर कम हो, ताकि वाटर सेव हो, वाटर कंजर्व हो, ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। मेयर वाटर यूज़ एंड सेट अ टारगेट, गवर्नमेंट को चाहिए कि वाटर यूज़ मतलब मेयर करें कि कितना इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और एक टारगेट सेट करें। और मेकिंग लॉज ऑन वाटर रिसाइकलिंग, वाटर को रिसाइकलिंग के लिए लॉज बनाए, एंड सपोर्ट इंडस्ट्री टू मेक वाटर इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे गवर्नमेंट की वाटर यानी बना रही है, यहाँ से हम मिनरल वाटर वगैरह बन रहे हैं। तो ये हमें इस तरह वाटर हम कंजर्व कर सकते हैं, और वाटर कंजर्वेशन का मतलब वही आपने ये जहन रखना है कि मैनेजमेंट और बैलेंस, आपने इन रिसोर्स को इकोसिस्टम में हो, बायोस्फीयर में हो, वाटर में हो, बाकी ये भाई बताएगा कि ये ऐसे रिसोर्स जो हैं उनको हमने कंजर्व करना है, उनको ऐसे मैनेज करना है ताकि कंजर्वेशन बैलेंस रहे।